उसकी सरकार उसकी योजना पर आए उसने पीएलएम कर देना है। महिला सम्मान योजना इसके लिए पीएलएम कर दिया। मैं आप बीजेपी को परिवर्तन यात्रा के जवाब में झामुमो ने शुरू किया मैया सम्मान यात्रा। कमान मुख्यमंत्री की धर्मपत्री कल्पना सोरेन के हाथ। गढ़वा से शुरू हुए मैया सम्मान यात्रा में फिर लय में नजर आई कल्पना सोरेन। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व झारखंड में सियासी ताने बाने तेज होने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद महागठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में बीजेपी जीतोड़ मेहनत कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यूपी बिहार के डिप्टी सीएम का झारखंड दौरा तेज हो गया है। बीजेपी ने पिछले दिनों संथाल परगना से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार को घेर रही है। इधर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में झामुमो ने मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। सबसे अहम बात ये है कि इसकी बागडोर सीएम हेमंत सोरेन की विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने संभाली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना ने अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में ले लिया है। कल्पना फिर उसी अंदाज में बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। जानकारी हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने रैली दर रैली जिस तरह से चुनावी अभियान को लीड किया उसी का परिणाम रहा कि बीजेपी राज्य में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। बीजेपी को राज्य में सभी एसटी सीटों पर मात खानी पड़ी। हालांकि उस वक्त इंडिया गठबंधन के सारथी के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे जो अब भाजपा के परिवर्तन यात्रा की बागडोर संभाल रहे हैं। सोमवार को झारखंड सरकार के निर्देश पर गढ़वा से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है। इसमें मंत्री बेबी देवी, दीपिका सिंह, मिथिलेश ठाकुर, सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए जबकि कार्यक्रम का संचालन जिले के उप विकास आयुक्त ने किया। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देख घायल शेरनी की तरह कल्पना सोरेन ने जब दहाड़ना शुरू किया लोग तालियों से उनका स्वागत करते देखे गए। सबसे पहले जिला कमेटी की ओर से अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसके बाद हजारों महिलाओं की भीड़ का अभिवादन करते हुए कल्पना सोरेन ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज पहली बार मैं गढ़वा आई हूँ। मैया सम्मान योजना एक क्रांतिकारी योजना है। 1000 के बदले हजारों हजार आशीर्वाद हेमंत सोरेन को मिलेगा। ये वही हेमंत सोरेन है जिनको 5 महीने जेल में डाला था। आज आपको दूसरा किस्त मिल रहा है। अगर हेमंत जी जेल नहीं जाते तो 7वां किस्त जाता। हेमंत जी ने तैयारी कर ली थी। योजना को आप लोगों तक नहीं पहुंचने में भाजपा का हाथ है। हेमंत जी को नहीं, आपकी योजना को जेल हुआ था। भाजपा दूसरे की खुशी से दुखी है। वो नहीं चाहते कि आप लोगों को पैसा मिले। हमने पहली किस्त दी और उन्होंने पीआईएल कर दिया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि झारखंड की जितनी भी योजना है सब चलती रहेगी। अगर आप रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाइए। मैं वचन देती हूँ राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार मिलता रहेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राज्य की जनता किसके साथ जाती है, भाजपा के परिवर्तन यात्रा के साथ या झामुमो के मैया सम्मान यात्रा के साथ। झारखंड की सरकार उसकी योजना पर आए उसने पीएलएम कर देना है। मैया सम्मान योजना इसके लिए पीएलएम कर दिया। मैं आप माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं है? खुश है या नहीं है? खुश है या नहीं है? जब है तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाचल करते हैं
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।